हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मल्टीपल साइंटिस्ट पोजीशन जो कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से निकाली गई है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको पता रहे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट में जो साइंटिस्ट की पोजीशन है उसे निकाला गया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए, और ताकि आप जो है मेरा कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली जो साइंटिस्ट की पोस्ट है वो है सीएसआईआर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए। तो देखिए, इसमें जो क्लोजिंग डेट है वो आपको यहाँ पे दे रखी है 27 अक्टूबर शाम 5:30 PM तक, और जो लास्ट डेट है रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन वो है 4 नवंबर 2020 टिल 5:30 PM। तो अब हम देख लेते हैं इसमें पोस्ट क्या क्या है। तो देखिए, यहाँ पे जो डिजिग्नेशन है वो यहाँ पे दे रखा है साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट और प्रिंसिपल साइंटिस्ट। तो जो है 3 डिजिग्नेशन है और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे पोस्ट भी मेंशन कर रखा है। तो देखिए, अनरिजर्व या जनरल कैटेगरी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1 है, एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 1 है और जो ओबीसी के लिए 1 है। साथ ही साथ इन्होंने जो पे लेवल या पे मैट्रिक्स वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो पे लेवल जो यहाँ पे साइंटिस्ट लिए मेंशन कर रखा है वो लेवल 11 67,700 टू 2,08,700 जो कि बहुत ही अच्छा पे लेवल है। और जो एमोलूमेंट्स यहाँ पे आपको मिलेगा वो रहेगा 94,253 और जो एज लिमिट है वो आपकी रहेगी 32 ईयर्स तक। इसके बाद देखिए, सीनियर साइंटिस्ट के लिए भी नंबर ऑफ पोस्ट, पे लेवल, टोटल एमोलूमेंट्स और जो अपर एज लिमिट वो मेंशन कर रखा है। साथ ही जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए भी मेंशन कर रखा है। तो आप जिसके लिए भी एलिजिबल हो आप उसकी डिजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और चीजें देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो देखिए, यहाँ पे जो नंबर 1 पोस्ट है ओबीसी के लिए APTD 1, तो इसमें देखिए जो पे लेवल है वो लेवल 11 है, यानी कि ये जो पोस्ट है ये आपकी है साइंटिस्ट की पोस्ट, क्योंकि साइंटिस्ट की पोस्ट पे जो पे लेवल वो लेवल 11 है। सीनियर साइंटिस्ट के लिए लेवल 2 है और जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट के लिए वो लेवल 13। तो इससे आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये पोस्ट ये साइंटिस्ट के लिए है। और इसमें देखिए, आप तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी आपका एमटेक इन फूड टेक्नोलॉजी या एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होना चाहिए, या आपकी जो पीएचडी वो सबमिटेड होनी चाहिए फूड टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे देखिए, इन्होंने क्लियरली जो मेंशन कर रखा है कि आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही इन्होंने बोला डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो अगर आपके कोई भी 2 रिसर्च पब्लिकेशन है साइंस जनरल में तब यहाँ पे आपको जो है प्रेफरेंस जरूर मिलेगा, या आपने अगर कोई 1 ईयर का इंडस्ट्री या पोस्ट डॉक्टर एक्सपीरियंस आपने लिया है तब भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ ही जिन्होंने यहाँ पे जो जॉब स्पेसिफिकेशन है वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि आपको क्या जॉब करनी है, ठीक है। तो इसके साथ देखिए और भी सेम चीजें दे रखी है अलग अलग पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको देखना है आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो APTD 1, APTD 2 ऐसे करके उन्होंने पोस्ट दे रखी है, और जिसके लिए भी आप एलिजिबल है, सपोज आप APTD 2 के लिए एलिजिबल है, आपने पीएचडी जो है सबमिट कर दी केमिस्ट्री में, आपका पीएचडी जो है केमिस्ट्री में है, तब आप APTD 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूर देखिए, उसकी बेस पर ही आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्क्रॉल डाउन करने पे आपको देखिए यहाँ पे और भी पोजीशन मिलेंगी। ऐसे देखिए सीनियर साइंटिस्ट की, तो यहाँ पे जो पे लेवल रहेगा वो आपका लेवल 12 रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो है और भी पोजीशन जिसके लिए भी आप एलिजिबल हैं, ये आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन जरूर देखिए कि आप जो है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन वो होना चाहिए, जो इन्होंने मेंशन कर रखी सेम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तभी आपका जो एप्लीकेशन है उसे कंसीडर किया जाएगा, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, आप सारी पोस्ट है, आप अपनी एलिजिबिलिटी के बेस पे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेंगे। तो देखिए, आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जो भी आपको बेनिफिट मिलेगा डीएनएस अलाउमेंस, हाउस अलाउमेंस, एचआरए बोलते हैं, टीएडी, यहाँ पे सब मिलेगा, जो भी गवर्नमेंट अप्लाई के मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई को, वो सारा जो बेनिफिट्स है वो आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ ही जो अकॉर्डिंग टू सीएसआईआर रूल आपके जो बेनिफिट है वो भी यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो और कुछ देख लिए, मेडिकल एक्सपेंसेस का भी जो भी आपका है रिइंबर्समेंट वो भी आपको मिलेगा, लीव टेबल कंसेशन मिलेगा। तो आपको जितने भी बेनिफिट सीएसआई की तरफ से या सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से वो सारे आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देख लेते हैं।
तो यहाँ पे क्लोजिंग डेट मैंने ऑलरेडी बताया कि 27 अक्टूबर को जिसकी जो है वो क्लोजिंग डेट है, यानी कि लास्ट डेट है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, उसकी हार्ड कॉपी भी आपको सेंड करनी है अलॉन्ग विद अदर टेस्टिमोनियल्स के साथ में। तो देखिए रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, वहीं अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स थे, और हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये रिलैक्सेशन हो गया, आप देखिए इन्होंने यहाँ पे मेंशन करा आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो आप जो है सीएसआई एन आई या एसटी को ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है विल बी अवेलेबल ऑन सीएसआई एन आई एसटी वेबसाइट अप टू 27 अक्टूबर, जो कि मैंने आपके साथ मेंशन किया कि लास्ट डेट 27 अक्टूबर है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फी पे करनी 500 रुपीज, ठीक है। तो आप ये नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ पे नेट बैंकिंग के लिए आपको यहाँ पे जो अकाउंट नंबर आईएफएससी कोड एमआईसीआर नंबर सारा यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है, और उसके साथ ही साथ आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट मार्कशीट टेस्टिमोनियल्स जो कि आपकी इन सपोर्ट ऑफ एज, अगर आपको अपने यहाँ पे एज का कुछ प्रूफ देना है तो आप उसके लिए अपनी 10th की मार्कशीट भी यूज कर सकते हैं। साथ ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिप्रिंट ऑफ पब्लिकेशन कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देना मस्ट है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको वो भेजने हैं द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सीएसआई NIST, उन्होंने एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आपको यहाँ पे भेजने, और जो लास्ट डेट है रिसीव करने की हार्ड कॉपी वो है 4 नवंबर 2020। तो इससे पहले आप जो है अपना जो एप्लीकेशन है वो सेंड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए ना, अभी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फॉर्म सेंड बाय पोस्ट, तो इन सारे डॉक्यूमेंट आपको सेंड करने हैं, ये प्रूफ और रेमिटियंस और एप्लीकेशन फी 500 जो कि आपने फी पे किया है उसका जो है रिसिप्ट आपको लगाना है, कलर्ड फोटोग्राफ, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट अगर आप एप्लीकेबल है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास कोई है तो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेजना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अब हम देख ले, तो हमारा जो दूसरा नोटिफिकेशन है वो है श्री चित्र तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो इसमें देखिए आपको जो ये परमानेंट पोजीशन है साइंटिस्ट बी की टेम्परेरी पोजीशन है, इससे पहले जो हमने पिछला जो नोटिफिकेशन देखा था उसमें जो साइंटिस्ट की पोजीशन थी वो परमानेंट थी, लेकिन यहाँ पे जो साइंटिस्ट बी की पोजीशन है वो टेम्परेरी है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन ने मांगा है आपका एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में होना चाहिए, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है अगर आपने पीएचडी माइक्रोबायोलॉजी में किया है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। साथ ही साथ अगर आपका कोई भी 1 ईयर एक्सपीरियंस है माइक्रोबायोलॉजी में या आपको मॉलिकुलर बायोलॉजी टेक्निक्स में एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे जो है वो प्रेफरेंस जरूर दिया जाएगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे मंथली एमोलूमेंट्स यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे 47,000 आपका कंसोलिडेटेड है, तो यहाँ पे टोटल जो एमोलूमेंट्स आपको मिलेगा 47,000 मिलेगा, और एज लिमिट है 30 ईयर्स, और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो है अनरिजर्व के लिए 1 जो कि एग्जिस्टिंग है, और एससी के लिए 1 जो कि एक्सपेक्टेड है, और जो ड्यूरेशन यहाँ पे रहेगा वो आपका रहेगा 6 मंथ का, और जो डेट ऑफ टाइम इंटरव्यू है वो 7 अक्टूबर 10:30 AM। अब देखिए यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन है वॉक इन इंटरव्यू है, तो डायरेक्टली आपको जाना है इस यूनिवर्सिटी में इस इंस्टीट्यूट में और यहाँ पे आपको डायरेक्टली वॉक इन इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो अगर आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल हैं और आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।